इन दिस टूटोरियल आई विल शो यू हाउ टू टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप विंडोज 10, विंडोज 11 में किस तरह हम फास्ट स्टार्टअप को इन कर सकते हैं यानी कि अपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो स्टार्टअप स्क्रीन है इसको किस तरह फास्ट बना सकते हैं तो चले वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हमने सर्च को ओपन करना है जैसे ही हम सर्च को ओपन कर लेंगे इसकी सर्च में टाइप करेंगे एम एस कॉन्फिक तो जैसे ही एम एस कॉन्फिक टाइप कर लेंगे तो टॉप पर हमने फाइंड करना है सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन यहां पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स हमारे पास अपीयर होगा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का यहां पर काफ़ी सारे टैब्स हैं इनमें से हमने सर्विसेज को सिलेक्ट करना है तो जैसी सर्विसेज को सिलेक्ट कर लेंगे बॉटम में हमने सिलेक्ट करना है हाइट ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हाइट ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज में तमाम जितनी भी सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं इनको हमने अनटिक करना है तो वन बाय वन करके इसको अनटिक कर देंगे जैसे हम इसको अनटिक कर देंगे अप्लाई कर देंगे और ओके करेंगे इन तमाम सेटिंग को करने के बाद हमारी बोर्ड स्क्रीन की स्पीड काफी फास्ट होने वाली है सेटिंग नंबर टू सर्च को ओपन करेंगे तो जैसे हम सर्च को ओपन कर लेंगे यहां पर हमने टाइप करना है बैकग्राउंड एप्स तो ही हम बैकग्राउंड से ऐप टाइप कर लेंगे तो टॉप तो पर हमने फाइंड करना है बैकग्राउंड एप्स तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैकग्राउंड ऐप्स इसके ऊपर क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे सिंपल सी सेटिंग है जो हमने यहाँ पर करनी है बैकग्राउंड ऐप्स का बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा यहाँ पर हम देख सकते हैं तमाम जितने भी बैकग्राउंड ऐप्स हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं आप इसको वन बाय वन करके भी डिसेबल कर सकते हैं और डिसेबल आल भी कर सकते हैं इस बॉक्स को क्लोज करेंगे और सर्च में टाइप करेंगे पावर ऑप्शन और टॉप तो पर फाइंड करेंगे पावर एंड स्लीप सेटिंग जैसे ही हम पावर ऑप्शन टाइप कर लेंगे पावर एंड स्लीप सेटिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और राइट right साइड पर फाइंड करेंगे एडिशनल पावर सेटिंग इसको क्लिक करके ओपन करेंगे बॉटम में हमने फ़ाइंड करना है बैलेंस्ड और हाई परफॉर्मेंस तो हाई परफॉर्मेंस को इनेबल करेंगे और चूज़ व्हाट द पावर डू इसके ऊपर हमने क्लिक करना है चेंज सेटिंग्स इसके ऊपर भी क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे सिंपल सी सेटिंग है तो जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इसका बॉक्स हमारे पास कुछ इस तरह से अपीयर होगा बॉटम में हमने फाइंड करना है टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप रिकमेंडेड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे स्लीपर क्लिक करके और हाइबर नेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इन तमाम सेटिंग को सेव चेंजेस करके सेव कर लेंगे इससे हमारे बूट स्क्रीन की स्पीड काफ़ी फास्ट होने वाली है